नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। सर, इसमें हम लोगों को ब्लॉक से यहाँ पे हमें परमिशन मिली गई कि यहाँ पे आप लोगों को रोज़गार मिलेगा, गरीब महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। हम यहाँ पे 1 जनवरी से हमें एक टेबल पे हमारे बी डी ओ सर आए भट जी, और उन लोगों ने हमें यहाँ पे परमिशन दी। हमने यहाँ पे टेबल लगाई, तब से हम यहाँ पे बैठे थे। उसके बाद हम यहाँ पे इन्होंने एक हफ्ते से हमको परेशान कर लिया कि आप 2 मंजिले में जाओ। इन्होंने 2 मंजिले में हमें कमरा दिया था। हमने कहा वहाँ पर सेल नहीं होगी, फिर भी ये लोग हम यहीं पर डटे रहे। फिर उसके बाद ये बोले कि आपको नीचे देते हैं, नीचे दी 6 नंबर की दुकान, 6 नंबर में भी कुछ नहीं आ। फिर उसके बाद हम इन लोगों ने हमको 27 फरवरी तक परेशान किया। 27 फरवरी के बाद हम घर में बैठ गए। फिर हम सीधे 4 फरवरी को आए, यहाँ पर हमने टेबल लगाई, हमारे वीडियो वगैरह आए। फिर उसके बाद भी हम एक महीना तक हम घर में बैठे रहे, कोई बात नहीं। जब हम घर में बैठ गए तो इन लोगों की स्टॉलें फिर बाहर लगी सब लोगों की। तो हम जब यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भट जी आए थे और राज्यपाल जी आई थी, तो उसके बाद हम 23 अप्रैल को फिर यहाँ पर आए। फिर हमें ये लोग परेशान करने लग गए हैं। हमारे दुकान से कोई लेना देना नहीं है, हमें दुकान में कोई मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दुकान भर सकें, हमें स्टॉल चाहिए था। हाँ बिल्कुल, मेरे को अभी सूचना मिली थी इन महिलाओं के द्वारा, स्वयं सहायता समूह महिलाओं के द्वारा मुझे सूचना आई थी। तो मैं यहाँ पर हनुमान धाम पर पहुँची हूँ। इन महिलाओं की पीड़ा मैंने देखी। ये महिलाएँ ये बता रही हैं कि सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह का जियो के पास होने के बाद और डीएम साहब के आदेश और सीडीओ साहब के आदेश के होने के बावजूद इनको यहाँ पर दुकान आवंटित की गई थी। और ये जो इनका स्टॉल है, ये स्वयं सहायता समूह के लिए ही बनाया गया है। और इस स्वयं सहायता समूह में 250 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे कि सरकार ने ये सोच के किया कि इनका परिवार और यहाँ के स्थानीय महिलाओं को रोज़गार मिले। लेकिन यहाँ का जो मंदिर परिसर के जो प्रबंधक हैं, वो इस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस दुकान को यहाँ पे नहीं लगाया जाए और अंदर लगाया जाए इस स्टॉल को। तो ये लोग इस स्टॉल का विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब हमें सरकार ने योजना दी है तो उसका लाभ हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि हमारा परिवार पल रहा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं। तो इसमें इस मैटर में मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और अभी मैंने SDM साहब से भी बात करी है और अभी मैं DM साहब से भी बात करूँगी कि सरकार की योजना में इस तरह के बाधाएं क्यों आ रही हैं, इन महिलाओं को क्यों परेशान किया जा रहा है। अगर इन महिलाओं को परेशान किया जाएगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं इन महिलाओं के साथ हूँ और इन महिलाओं के लिए मुझे जहाँ तक लड़ना होगा मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगी। और इनको जब स्टॉल के रूप में यहाँ पर आवंटित किया गया तो इनको यहीं पर स्टॉल मिलना चाहिए और यहीं पर इनका रोज़गार का जो एक प्रावधान बनाया है, उस रोज़गार से इनको पूरा सहायता मिलनी चाहिए। और